थोड़े दिन पहले चमचो का राजकुमार बोल रहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो राहुल जी, हम आपको बता दें कि आपने मोहब्बत की दुकान तो खोली है हमारे दिल में, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि मोदी जी के लिए। हम भी डरते नहीं हैं, इसलिए आज खुले दिल से कहते हैं, हाँ हमें मोहब्बत है, लेकिन परिवारवाद के वंशज से नहीं, बल्कि उस माँ के लाल से जिसने जान हथेली पर रख लाल चौक पर आतंकवाद की चरम सीमा होने के बावजूद तिरंगा फहराया था। राहुल भैया, सदन में बैठकर आंख मारने से कुछ नहीं होता, दुश्मन को अपनी नीतियों से लाल आंख दिखाने से होता है। इसलिए हाँ, हमें मोदी जी से मोहब्बत है। जो लोग नए साल पर थाईलैंड जाकर पार्टी करते हैं उनसे नहीं, बल्कि जो देश के जवानों के साथ सीमा पर दिवाली मनाते हैं, हाँ हमें उस मोदी से मोहब्बत है। तुम पड़ोसी चीनी गिद्धों के साथ एएमयू साइन करते रह गए, वो इन्वेस्टर के साथ एएमयू साइन करते करते देश में रिकॉर्ड तोड़ लाखों करोड़ का निवेश लिया, इसलिए हाँ हमें उस मोदी से मोहब्बत है। तुम्हारी राजमाता आतंकियों के लिए रोती है और मोदी सरकार आतंकियों को ठोकती है, इसलिए हाँ हमें उस मोदी से मोहब्बत है। जिस राम के अस्तित्व को तुम्हारी पार्टी ने नकारा, उसी राम के लिए भव्य मंदिर बनाने वाला मोदी है। जिस काशी के मंदिरों को तुम्हारे पूर्वजों ने चादरों से ढकवाया, जिस सोमनाथ का विरोध किया था, उसी काशी और सोमनाथ को पुनर्जीवित कर भव्य और दिव्य उसने ही बनाया, तो हाँ हमें उस मोदी से मोहब्बत है। तुम्हारे संस्कार है कि बुजुर्गों से जूते उठवाते हो, गलत लोगों को सम्मान देते हो और वो खुद श्रमजीवियों को पैर से पखारते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों से भी प्यार करते हैं, इसलिए हमें उस मोदी से मोहब्बत है। जिस पूर्वोत्तर में ना तुमने यात्रा निकाली, जहाँ तुम्हारी दादी ने वायुसेना से बम गिरवाया और परनाना ने दशकों तक नकारा, मोदी जी ने उसी पूर्वोत्तर को सवार दिया है, इसलिए हाँ हमें उस मोदी से प्यार है। हाँ, तुम्हारी यात्रा कामयाब हुई, सफल हुई, क्योंकि हर एक चेहरा सामने आ गया जो बिकाऊ है या देश विरोधी है। और हाँ, हम समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो उस कर्मयोगी के साथ देश के 130 करोड़ लोग हैं जो सिर्फ मोदी से मोहब्बत करते हैं।